Planet Bollywood. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को मीडिया के साथ मनाया अपना 73rd बर्थडे। इस मौके पर बिग बी ने अपने बर्थडे और जीवन से जुड़ी कई बातों को किया मीडिया के साथ शेयर। बच्चन साहब ने बताया कि वो कैसे करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने। बिग बी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स की शुभकामनाओं और प्यार को देते हैं तवज्जो। नो अमाउंट ऑफ मटेरियल गिफ्ट कैन रिप्लेस लव एंड अफेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ वेल विशेस। I've always believed in that. 4 decades से भी ज्यादा वक्त से बॉलीवुड पर राज कर रहे बच्चन साहब ने अपने बर्थडे पर बी डाउन के जनरेशन नेक्स्ट को उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है और ये अच्छा है। हम सोचते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई हैं। 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले। ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। वेल वी विश बच्चन साहब आप इसी तरह पूरी दुनिया को करते रहे एंटरटेन और हर साल आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो खुशियों से भरा। जूम के व्यूअर्स के लिए बच्चन साहब की एक खूबसूरत लाइंस। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाँ, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।